वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है सिंपल ईद मेकअप लुक फॉर टीन टीनेजर्स को कैरी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको काफी ज्यादा सिंपल और मिनिमम रखने की कोशिश की है और आई आप अपनी चॉइस से कोई भी रख सकते हैं जो, जो भी आपकी ड्रेस होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आई का कलर और लिपस्टिक का कलर चूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि आप लोगों ने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल बटन भी हिट करना है और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो सो so, सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइब्स का रोज हिप सीरम और गाइस ये एकदम बेस्ट सीरम है आपको बिल्कुल इसको ट्राई करना चाहिए वो टीन के लिए एकदम परफेक्ट है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है जैसे प्राइमर लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम स्मूद हो जाती है ना सेम वैसा ही इफेक्ट आपको मिलता है देन उसके बाद हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लेंगे और उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर लूँगी सीरम अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने पाँच मिनट तक वेट करना होता है उसके बाद ही प्राइमर अप्लाई करना होता है बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मैं प्राइमर को लेकर अपने के, का बहुत ये है uh, 60 रुपीस के अंदर आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा बहुत अच्छे से आपके ब्राउज को फिलिंग करता है बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं लगते हैं एकदम नेचुरल लुक देता है उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बे का लिक्विड कंसीलर इन शेड जीरो और ये एक बेस्ट कंसीलर है एकदम हाई कवरेज वाला इफेक्ट देता है आपको मुझे ये वाला कंसीलर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ आई थिंक वन ईयर से ज्यादा हो गया है इसको यूज करते हुए और अभी भी काफी ज्यादा मेरे पास बचा हुआ है तो ब्रश की हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लैंड कर लूंगी देन ब्राउज को भी डिफाइन कर लूंगी एक स्मॉल एंगुलर फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसके बाद कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन वाइट सुपरफ्रेश कॉम्पैक्ट और ये कॉम्पैक्ट अभी आना बंद हो गया है काफी पहले से था मेरे पास उसके बाद गाइस आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ एस एफ आर की स्मोकी आई शेडो पैलेट और बहुत ही ज्यादा अच्छी है बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन तो लाइक बॉम डॉट कॉम और थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेके मैंने अपने ये क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई किया है और एक फ्लफी आई शेडो ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लैंड कर लूंगी और मैंने इसको फोकस किया है अपनी आई के आउटर कॉर्नर पर और क्रीज लाइन के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है बहुत ज्यादा इनर कॉर्नर तक मैंने कलर को अप्लाई नहीं किया है उसके बाद मैं यहाँ पे क्रीज को डिफ्यूज कर रही हूँ एक मैंने शेड पिक किया है ग्रेस टाइप का उसकी हेल्प से जो अभी हार्श लाइंस बन गई हैं उनको हल्के से डिफ्यूज कर रही हूं आउटर कॉर्नर के ऊपर फोकस करते हुए ही उसके बाद गाइस मैं सेम पैलेट में से ही एक लाइटर शेड पिक कर रही हूँ जो कि एक हाइलाइटिंग शेड है और अपने फिंगर की हेल्प से इसको प्लेस कर रही हूँ अपने आई के इनर कॉर्नर से लेके हाफ ऑफ द आईलेट तक जहां तक मैंने डार्क कलर अप्लाई किया था जो कि एक वाइन कलर था वहां तक अप्लाई किया है और उसके बाद मैं हार्श लाइन को डिफ्यूज कर रही हूँ देन आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ एनवाई बे का लिक्विड लाइनर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है फिफ्टी रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा और जिसकी हेल्प से मैं एक बहुत ही पतला सा और छोटा सा विंग लाइनर

है और प्रोडक्ट भी मैंने ऐसे चूज किए हैं जो कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के भी हैं और बीबी -बी क्रीम को मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है और गाइज बीबी क्रीम पोन्ट्स वाली तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है टीनेजर्स को बिल्कुल इसको ट्राई करना चाहिए अगर आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए अपने फेस के ऊपर कवरेज चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं पोन्ट्स बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की ईजिल ब्लेंड हो जाती है ये वाली क्रीम और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है वन ट्वेंटी रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी और ईजिली अवेलेबल है हर जगह लोकल मार्केट में भी एंड ऑनलाइन भी उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी आई को हाईलाइट करूँगी सेम कंसीलर की हेल्प से पूरे फेस को हाईलाइट नहीं करूँगी क्योंकि पोन्स बीबी क्रीम ने हमें पहले से ही काफ़ी अच्छी कवरेज दे दी है और सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लूँगी सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से और ये कॉम्पैक्ट तो अभी नहीं आ रहा है लेकिन इसकी जगह पर मेबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है आई थिंक वन फिफ्टी के अंदर आपको मिल जाएगा वन या वन में मिल जाएगा प्राइस जो है वो एमेज़ोन पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी सेम वाइन कलर को अप्लाई कर लूँगी देन हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शिवाना की शिमर ब्रेक और इसकी हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी ब्राउबोन को और अपनी वन थर्ड लोअर लैश लाइन को भी उसके बाद मैं यहाँ पे एक पीच कलर का ब्लश अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पर और मैं यहां पे कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूं क्योंकि टीनेजर्स को आई थिंक कंट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए और अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम सिवाना के शिमर ब्रिक यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छी है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जो हाई एंड ब्रांड के हाईलाइटर होते हैं ना सेम वैसा ही वर्क करती है देन लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शाई स्टाइल की लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड जीरो सिक्स और ये शेड टीनेजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है अभी आई थिंक ये वाली लिपस्टिक आती है या नहीं आती मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है अगर अवेलेबल होगी तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में अपने पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूं एस एफ आर का मेकअप सेटिंग स्प्रे और ये है मेरा फाइनल लुक ईद मेकअप लुक फॉर टीन एजर्स और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप कुर्ती में भी कोई मेकअप लुक दिखाइए ईद के लिए तो हेयर एम सो so गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो सिंपल मेकअप लुक फॉर ईद फॉर टीनेजर्स आई होप आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी सो so, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएगा कि आपको मेरा आज का ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा है तो चलिए गाइज़ मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल